गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू एमसीक्यूज ऑफ योर चैप्टर न्यूट्रिशन. सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रॉ मटेरियल यूज्ड इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है. सो वी ऑल नो कि यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरोफिल, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. एंड यहाँ पर आपका फॉर्म होता है क्या, ग्लूकोज प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन. एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर टेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपका वाटर भी आप ले सकते हैं. इफ़ यू आर टेकिंग 12 मॉलिक्यूल एंड इफ़ यू आर टेकिंग 6, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट साइड पर वाटर रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है. सो यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिए, स्टार्च फ्रक्टोज ग्लूकोज, ये तो शुगर है, ये तो फोटोसिंथेसिस के बाद बनेगा. प्रोटीन एंड फैट्स दे आर नॉट लिंक टू फोटोसिंथेसिस. देन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर कार्बन एंड वाटर जो है रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज. सो द राइट ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड अमंग दीज गिव्स अस एनर्जी, इनमें से कौन सा फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. सो यहाँ पर बच्चा राइट ऑप्शन देखिए, एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी करते हैं, प्रोटीन्स कर सकते हैं, मिनरल्स सॉल्ट आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनर्जी एंड नॉट इवन वाटर एंड रफेज. सो हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. सो ए इज योर राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. सो यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की, वहाँ पर आपका क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कहाँ पर, लीव्स के अंदर. और आपका क्या फॉर्म कर रहा है इस लीव के अंदर, शुगर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. फोटोसिंथेसिस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फोटोसिंथेसिस आपका क्या है. फोटोसिंथेसिस ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस आपका क्या है, ये है आपका ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप कर क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना. तो यहाँ पर आपका फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स तो कुछ बनते नहीं है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है. एंड यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कार्बन का क्या होता है, रिडक्शन होता है. एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है. ओके, सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. यहाँ क्या हो रहा है, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी और एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में आपका जो ग्रीन पिगमेंट यूज किया जा रहा है दैट इज, सो यहाँ पर फर्स्ट है आपका, पहली चीज तो आपको पता है कि जो ग्रीन पिगमेंट हम यूज करते हैं दैट इज योर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ओके, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है, दिस इज अ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर RBC. और ये आपका रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, इट इज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस के एक्सचेंज करवाने में हेल्प कर रहा है. देन फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम आपके लाइट डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट को रिसीव करने का काम करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट. क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से पार्ट में. सो तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन पता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट, ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होगा. ओके, सो द राइट ऑप्शन हेयर इज योर ग्रीन लीव्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लोरोफिल हैज़ अ पॉर पायरिन रिंग विद, क्लोरोफिल में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करें, बच्चा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपका ये एक पॉर पायरिन की रिंग होती है सेंट्रल में, सो ऐसी आपका फोर रिंग्स होती हैं और ये चारों पोरपायरिन की रिंग एक सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होती है एंड इसके अलावा यहाँ पर एक फाइटोल की टेल होती है। तो ये जो चार आपके नाइट्रोजन की रिंग होती है इसे हम कहते हैं यहाँ पर दैट दे आर व्हाट दे आर पोरपायरिन रिंग एंड दिस टेल इज कॉल्ड फाइटोल टेल। सो यहाँ पर आप क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होता है जो इन पोरपायरिन रिंग को जोड़ कर रखता है वो सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम। तभी जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरोफिल। तो ये मैग्नीशियम क्या है, इस क्लोरोफिल का ही सेंट्रल एलिमेंट होता है। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑर्गेनली ऑफ सेल, कौन से ऑर्गेनली में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लोकेटेड होता है। सो आप सबको पता है क्लोरोफिल आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल आपका पिगमेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन योर प्लास्टिड। तो ये प्लांट के अंदर आपका प्लास्टिड जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगा, या फिर आपको इससे भी अच्छा ऑप्शन मिला है फोर्थ ऑप्शन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, वैक्यूल भी नहीं है, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो हमें क्लोरोफिल पूछा है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि प्लास्टिड में बच्चा आपने तीन पढ़े हैं, ल्यूको भी होता है जहाँ कोई पिगमेंट नहीं है, क्रोमो भी होता है जहाँ कलर्ड पिगमेंट है एंड क्लोरो होता है। तो यहां पर जब क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है तो हम एग्जैक्ट पर आंसर पर जाएंगे। सो यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज द प्लास्टिड और द ऑर्गेनली विच कैरी द क्लोरोफिल पिगमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो डू फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अलावा आपके कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट के अलावा अगर हम बात करें, फर्स्ट है एल्गा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गा को ही कहा जाता है, एंड वी ऑल नो ब्रूगिल ब्लू ग्रीन सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अपार्ट फ्रॉम प्लांट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है एल्गा के अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को भी हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड दीज टू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंगस आपका जो है वो सैप्रोफाइट होगा, अमीबा आपका होलोजोइक होगा, पैरामीशियम आपका होलोजोइक होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन ले रहा है और उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा। देखो सैप्रोफिटिक में तो डेड एंड डिकम्पोज से करते हैं तो ये तो हम काट देते हैं, होलोजोइक में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लिया तो वहाँ पर भी आपका नुकसान पहुँचा दिया। अब यहाँ पर है दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेना, तो ऑटोट्रॉफिक में तो दूसरे से लेगा नहीं, सो हमारे पास क्या बच गया, पैरासाइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया है कि जो आपका पैरासाइट होते हैं वो आपके कभी भी अपने होस्ट प्लांट को पूरी तरह से किल नहीं करते, वो स्लोली उसे नुकसान पहुंचा रहे लेकिन उसे ख़त्म नहीं करेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स इन, अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है।
तो वी ऑल नो अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फूड वैक्यूल में हो रहा है. सो द राइट ऑप्शन इज योर फूड वैक्यूल, सी ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, saliva contain an enzyme which degrades starch into simple sugar. The enzyme is, saliva के अंदर एक enzyme होता है जो starch को simple sugar में तोड़ता है. ठीक है, यहाँ देखो आपको कई चीज़ें मिल रही है. तो starch को ही तोड़ेगा, कौन सा enzyme, वो जो saliva में present है. कौन सा present है, salivary amylase. So the right option is here, A option. Now the next question, the stomach produce acid, HCl by, तो स्टमक में आपका एसिडिक HCl प्रोड्यूस होता है बाय. सो यहाँ पर टू न्यूट्रलाइज एसिड आपका टू एक्टिवेट द एंजाइम, है ना, एक्टिवेट एंजाइम करने के लिए. तो यहाँ ऑप्शन पढ़िए, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर. ये तो गलत है कि आपका एसिड की प्रेजेंस में स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है. देन आपका न्यूट्रलाइज बेस को करने के लिए जो फूड में प्रेजेंट होता है, रॉन्ग. देन पेप्सिन जो है उसे एसिडिक मीडियम चाहिए टू वर्क अपॉन प्रोटीन्स. अब पेप्सिन आपका बिल्कुल आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन. सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCl इज सिक्रीटेड बाय, HCl कौन सिक्रीट कर रहा है. तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगी स्टमक की, वो आपका HCl यहाँ पर क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बताना है डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. तो पेप्सिन आपका पहली चीज एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, और ट्रिप्सिन आपका जो है वो आपका बेसिक मीडियम में आपका एक्टिवेट होगा. तो यहाँ पर देखिए, दे वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, दे आर सिक्रीटेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. सही है, ये वाला तो सही है. ट्रिप्सिन डू नॉट नीड एसिडिक मीडियम अनलाइक पेप्सिन, ये भी सही है. और बिल्कुल ये दोनों ही अलग तरह के प्रोटीन्स पर आपका वर्क करेंगे. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, कि यहाँ पर ये सारे ही आपके डिफरेंट प्रोटीन्स पर वर्क करेंगे. देन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस कौन बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है लीवर. कहाँ कहाँ स्टोर होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. ठीक है, क्या होता है इसके, इसके अंदर होता है मेन बाइल सॉल्ट. क्या करता है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट आपका करता है फैट्स का इमल्सिफिकेशन. सो फैट्स इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइल. सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, रोल ऑफ बाइल जूसेस. अभी हमने बात की बाइल जूस में बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. सो बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, एन एंजाइम दैट डिग्रेड फैट एंड ऑयल इन फैटी एसिड, वो एंजाइम जो फैट को डिग्रेड कर सकता है. तो एक ही एंजाइम है आपके एनसीईआरटी में, लाइपेज. लाइपेज आपका लिपिड को डिग्रेड करेगा. सेल्यूलेज आपका सेल्यूलोज को डिग्रेड करता है. ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन्स पर आपका एक्ट करेगा, और अमाइलेज आपका जो है ये एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पर. ठीक है, सो यहाँ पर फैट्स पर कौन करेगा, लाइपेज. लाइपेज आपका फैट्स पर करेगा. सो द राइट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट वन, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स. ट्रू है या फॉल्स, तो हर्बीवोर्स में बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हर्बीवोर्स के अंदर मेन कॉम्पोनेंट होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए आपको सेल्यूलेज चाहिए, एंड यहाँ पर इसके अलावा टाइम भी चाहिए इसके डाइजेशन के लिए. तो हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो लॉन्ग होगी देन कार्निवोर्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है. नाउ द नेक्स्ट वन, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. व्हाट बेनिफिट डज इट गेट फ्रॉम द हाई सरफेस एरिया, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है. तो इस सरफेस एरिया इंक्रीज होने का हमें क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट किल ड्यू टू लॉन्गर पैसेज, कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा,
क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पर फूड को पास होने में। सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो कहीं नहीं है कि जितना टाइम लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। सो यहाँ पर एक ही आपका पॉइंट सही बनता है, दैट इज़ बी, कि इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेलुलेज एंजाइम इन रूमिनेंट एंड टर्माइट्स ब्रेक। सेलुलेज एंजाइम जो है रूमिनेंट और टर्माइट में क्या ब्रेक करता है, तो सेल्यूलोज को ब्रेक करता है। ओके, सो राइट ऑप्शन इज योर ए ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, चलिए न्यूट्रिशन के आपके यहीं तक थे, कल हम कुछ और क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।